सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वाटर एनालिसिस और बेल आइकन पर दबाइए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाटर एनालिसिस पे। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कैल्शियम हार्डनेस। किसी भी अननोन सैंपल की कैल्शियम हार्डनेस कैसे टेस्ट करते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा टोटल हार्डनेस, किसी भी अननोन सैंपल की टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं, उसमें क्या क्या रिएजेंट लगते हैं, क्या क्या केमिकल्स लगते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए कैल्शियम हार्डनेस में कौन कौन से केमिकल लगते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं, उसके लिए आपको बताता हूँ ये वीडियो। इसके लिए सर्वप्रथम हमको चाहिए 0.01 मोलर का EDTA सॉल्यूशंस, जो कि पिछले हार्डनेस टेस्टिंग में हमने यूज़ किया था। दोस्तों कैल्शियम हार्डनेस के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम NaOH का यूज़ करेंगे। पिछले जो टोटल हार्डनेस में हम अमोनिया बफर सॉल्यूशन का यूज़ किया था, इसके लिए हम NaOH का यूज़ करेंगे। 0.10 नॉर्मल NaOH का यूज़ करते हैं, और इसमें जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हम अमोनियम परफ्यूरेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमने EDTA जो टोटल हार्डनेस टेस्टिंग थी उसके लिए हमने EBT इरियोक्रोम ब्लैक टी का यूज़ किया था, इसके लिए हम अमोनियम परफ्यूरेट का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम वाटर सैंपल लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, मेजरिंग सिलेंडर में, 50 ml वाटर सैंपल लेंगे। को हम इस कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। इसके बाद हम इसमें 1 से 2 ml NaOH डालेंगे। NaOH दोस्तों आप जानते हैं कि NaOH काफ़ी अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, जो कि इसकी pH को बढ़ा के कर देगा, लगभग 13 से 14 pH तक पहुंचा देगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयंस जो है काफ़ी मात्रा में रहते हैं, और इसको एक चिलेट बनाने के लिए हमको एक अल्कलाइन मीडियम चाहिए, इसलिए हम NaOH का यूज़ करेंगे। तो NaOH हम 1 से 2 ml जो है हम NaOH डालेंगे। NaOH डालने के बाद थोड़ा शेक करेंगे। अब इसमें हम 1 pinch अमोनियम परफ्यूरेट डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे। दोस्तों अमोनियम परफ्यूरेट से इसका कलर पिंक हो गया। अब हम EDTA 0.01 मोलर EDTA से सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। एंड पॉइंट हमको नोट करना है, इसके लिए हम पहले ब्यूरेट को फिल करेंगे। दोस्तों 0 तक ब्यूरेट फिल करने के बाद में अब हम सीधा टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन बिल्कुल स्लो, एंड पॉइंट हमको दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये कलर चेंज हो गया है स्काई ब्लू में। इसके बाद हम ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन करेंगे। लगभग 1.1 ml जो है इसमें EDTA का यूज हुआ है। अब हम इसका सीधा कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला इज इक्वल टू ब्यूरेट रीडिंग इनटू 1000 इनटू 0.4 डिवाइडेड अपॉन सैंपल टेकन। दोस्तों ब्यूरेट रीडिंग है अपनी 1.1 इंटू 1000 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय सैंपल टेकन 50 ml। तो दोस्तों तो हमारा कैल्शियम होगा 8.8 mg/L।